आज तीसरे दिन तहसीलदार लोहाई मल्हार के आश्वासन पर आखिर हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आज सुबह एक बार फिर उनका प्रदर्शन जोरों पर था। इस प्रदर्शन में अपनी पार्टी के बनी बसौली कंडी क्षेत्र में अध्यक्ष यासिर चौधरी शामिल रहे। यासिर चौधरी का कहना था, विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। एक तो हमारा पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है, अब इन पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को स्टाफ न देकर इन विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। एक तो स्टाफ की कमी, उसके बाद 2 साल से प्रिंसिपल का पद रिक्त पड़ा होना, यहीं से पता चल जाता है पहाड़ी क्षेत्र के स्कूलों को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। आज प्रदर्शन का तीसरा दिन था। दूसरे दिन SHO विद्यार्थियों को आश्वासन देकर आए थे, किंतु उसके बाद भी विद्यार्थी नहीं माने थे। आज खुद तहसीलदार लोहाई मल्हार मौके पर पहुंचे, विद्यार्थियों को आश्वासन दिया जल्द से जल्द आपकी कमी को पूरा किया जाएगा। यह है कि जो स्टाफ का आपकी बात है आपके सामने मैंने कर दी है, कितने लोग आए, किसी और ने बात की, CEO से बात की, डायरेक्टर साहब से बात की, ठीक है, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप यकीन मानोगे हम किस तरीके से मैं पहुंचा हूँ कि यहाँ गाड़ी, आपको खुद पता है कि गाड़ी नहीं पहुंचती है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। आप मेरे भाई और मेरी बहनें हो, क्योंकि आपने कल किसी के घरों में जाना है, अपने अगर आपको यहाँ अच्छी तालीम नहीं मिली, आप वहाँ अपने आने वाले बच्चों को क्या तालीम दे पाओगे आप लोग। ये चीज़ है, आप मेरे लिए, मैंने CEO साहब से भी बात की कि आपकी क्या, एक तो मैथ का लेक्चर आ रहा ना, हैं, एक मैथ का है और इकोनॉमिक्स का, दो उर्दू का है कोई, हाँ चलो उर्दू का है। तो ये जो है डिमांड्स, इसको मैं पर्सनली लुक आफ्टर करूँगा, और आप मैं किसी के मिनट में से टच में रहना जो भी है। अगर आप प्रिंसिपल साहब के पास, पुलिस का क्या काम है, कुछ कह रहे थे पुलिस, उनका तो काम ही कोई नहीं है, वो हमारी प्रोटेक्शन है। यह कि अपने सरपंच साहब जो BDC है, जो आपका DDC BDC उनके बस की बात नहीं है, आप इस स्ट्राइक को आप ख़त्म करें। क्या आपको ख़त्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बोलिए, हैं, नहीं नहीं किस चीज़ से बताओ ना, मुझे कोई हल नहीं कहते हो बताओ ना, उसी तरीके से बात करें। नहीं देखो कोई हल तो बताओ ना, मैं भी बैठूं उस पर। ऐसी बात नहीं है, बट आपका दिन दिन सफर हो रहा है, आप 12th class के स्टूडेंट्स है ना, मैं ये चीज देख रहा हूँ। वरना मुझे भी बड़ा मजा आया, ठंडी हवा है, फिर तो मेरा भी कहता है कि यहाँ पे आपके साथ मैं भी बैठा रहूँ, नीचे गर्मी है, लेकिन नहीं, मैं आप डायरेक्टर साहब से भी बात की मैंने, है आप उनसे भी बात की, अगर नहीं हल होता है, आप सही कह रहे हैं आप, जब आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं, आप पढ़ोगे कैसे, जब तक सर हल नहीं होगा। चलो वो तो आपका राइट, मैं कुछ तो, लेकिन जो हमने, ठीक है, अगर आप प्रोटेस्ट, हम आपके साथ, हम सर प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारा मसला पूरा। आज पढ़ने वाले और अगर नहीं लेक्चरर का हल होता है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, चाहे एक हफ्ता क्यों ना बैठना पड़े। और मैं यहाँ के तहसीलदार साहब, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे तहसीलदार साहब ना आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गुंडागर्दी चल रही है, सबको पता है, पूरे J&K में चल रही है। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद समझ रहे हो कि यहाँ कोई सुनाई नहीं है। यूपी बिहार वालों को हमारे सिर पे बिठा दिया है, जो हम जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में पता तक नहीं है, क्या पता उनको मल्हार है कहाँ है, जरा पूछो, जरा उनको पूछो ये दमान कहाँ है, मलाड कहाँ है, सदरोता कहाँ है, जरा पूछो लोग कोई जगह, ये आपको भी समझ, आप आंखें खोलें, आप ही हिंदुस्तान का फ्यूचर हो, आप ही जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हो, और आपको भी आंखें, आपको जरूरी नहीं है, हमारे ना रिवाज बन गया है पढ़ लिख कर नौकरी करना, इसको थोड़ा सा चेंज करो। यही है कि अपनी तालीम को सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस तक महदूद ना रखो। आपने ही इस पंचायत में जो भी गलत करता, आप एक अपनी सोशल टीम बनाए, यही टाइम, ये टाइम है आपका सोशली, अपने एजुकेशन साथ सोशल काम भी करें, किसी की मदद करें, किसी के हेल्प। आपके सामने मैंने CEO साहब से भी बात किया नहीं, मेरी एक पर्सनली राय है, मैं आपका छोटा भाई समझे बड़ा भाई समझे, मैं यही कहता हूँ अपनी एजुकेशन को सफर मत करें, जो ये होकर एक बार चला गया ना कि वापस नहीं आएगा। इस एज में बड़ा जुनून होता है शोर करने का भी, नारेबाजी करने का, मैं समझता हूँ आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ,
लेकिन आप लोगों ने क्लासें लगानी है, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? आप इस चीज पे मेरे साथ भरोसा करोगे या नहीं करोगे? कोई विदाउट पॉलिटिक्स के, आपके सामने मैंने डायरेक्टर साहब से भी बात की, सीओ साहब से भी बात की, मैंने बात की आपके ये इंचार्ज प्रिंसिपल साहब भी हैं इधर। मुझे मुझे इस चीज का पूरा मालूम है कि यहाँ पे दिक्कत है स्टाफ की। आपकी हाई सेकेंडरी का इशू नहीं है, ये हर हाई सेकेंडरी का इशू है। तो इन्होंने हमसे एक वीक का टाइम मांगा हुआ है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा हूँ, उनका नंबर नहीं, नॉट रीचेबल आ रहा है कहीं। वो मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, वो कहीं ले के दौरे में। और डायरेक्टर साहब ने यही राय दी कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें। डायरेक्टर साहब कहाँ से पैदा करेगा स्टॉक? आप ही एक पढ़े लिखे हो, सीओ साहब कहाँ से करेगा? लेकिन जहाँ डिपार्टमेंट की गलती है वो मैं भी समझता हूँ कि आज जो ट्रांसफरें हो रही है वो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी के इशारे पे हो रही है। मतलब जो लोग हमारी यहाँ की डेमोग्राफी टोपोग्राफी को समझते नहीं, उन लोगों को हमारे सिर पे अफसर बैठा दिया है, तभी हर इंस्टीट्यूशन हर डिपार्टमेंट का ये हाल हो रहा है। जैसे मैं कि यहाँ पे फोर्थ क्लास लोग भी पढ़ाते हैं, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? चाहे लेक्चरर का रोल निभा रहे हैं, कुछ टीचर का रोल निभा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को जिम्मेदारी क्या दी है? पानी पिलाने की, क्लैरिकल की दी हुई है, यही काम दिया है। बट वो अपनी ड्यूटी के साथ आप लोगों के साथ भी काम की मजबूरी है, हमारे बारे में सोच रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप अंधेरे से बाहर आने के लिए रोशनी चाहिए होती है, रोशनी चाहिए होती नहीं है? और इस एरिया के लोगों के लिए यही रोशनी है, आपके प्रिंसिपल साहब यही रोशनी है कि एजुकेशन ही है। जिस बच्चे को मेरी नंबर है, मेरी मदद जरूरत पड़ती है, बुक्स की जरूरत पड़ती है, किसी को जो गरीब है किसी को नोट्स की जरूरत पड़ती है, मैं प्रोवाइड करवाऊँ। कोई नहीं पढ़ रहा है, आप सिर्फ पढ़ने वाले बनो, आप सिर्फ पढ़ने वाले बनो। और अगर नहीं लेक्चरर का हल होता है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, चाहे एक हफ्ता क्यों ना। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।